रूस और यूक्रेन के बीच इस युद्ध में भारतीय भी फंसे और पाकिस्तानी भी, लेकिन भारत सरकार अपने नागरिकों को ऑपरेशन गंगा के तहत सुरक्षित ला रही है और पाकिस्तान की हुकूमत ने अपने नागरिकों को उनके हाल पर छोड़ दिया है। वैसे तो पाकिस्तान की सरकार, सेना और काफी संख्या में वहां के नागरिक भारत को पसंद नहीं करते, भारत के तिरंगे से नफरत करते हैं, लेकिन इत्तेफाक देखिए, वही तिरंगा आज यूक्रेन में फंसे पाकिस्तानी छात्रों की जान बचा रहा है। यूक्रेन में जंग के बीच पाकिस्तानियों ने थामा तिरंगा। जिस मुल्क को कब्रिस्तान बनाने की कोशिश की जा रही है, उस मुल्क में जिंदगी बचाना अपने आप में बड़ी चुनौती है। इन छात्रों के हाथों में ये तिरंगा देख रहे हैं आप। ये तिरंगा हिंदुस्तान की आन बान शान तो है ही, लेकिन रूस यूक्रेन जंग के बीच अगर आप देखें तो इनकी जान बचाने का नाम तिरंगा है। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिस तिरंगे को देखकर पाकिस्तान तिलमिला उठता है, वही तिरंगा यूक्रेन में संकट के समय पाकिस्तानियों का प्राण रक्षक साबित हुआ। आर्मी से हमारी ऐसी बात हुई थी तो वो कह रहे थे कि आपका जो है इंडियन फ्लैग है और आप इंडियन हो तो आपको इतनी डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि इंडिया रशिया का सब ठीक चीज है। तो हम लोग ने वैसी फटाफट फ्लैग अरेंजमेंट की और जैसी हमारी बस जैसी हुई तो हम लोग ने बस के सामने दो इंडियन फ्लैग प्रॉपर बिग बड़े बड़े लगा दिए ताकि हमको फ्री क्लियरेंस मिले। और एक्चुअली वो काम किया क्योंकि इंडियन फ्लैग देखे लोगों ने देखा कि ये सब इंडियन बच्चे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं तो उनको हमको अलाउंस मिलता है। कैसे कहीं पर मैं पढ़ रही थी कि एक टर्किश बच्चे ने, एक पाकिस्तानी बच्चे ने, सबने भारत के झंडे पकड़ लिए थे ताकि उन्हें स्लेव उनको हेल्प मिल रही थी। मैम भारतीय झंडे झंडा काम आया जी, भारतीय झंडे और भारतीय दोनों काम आया। ये भारतीय छात्र हैं जो अपने वतन लौटने के लिए यूक्रेन से पहले रोमानिया पहुंचे। इन छात्रों का दावा है कि यूक्रेन में फंसे पाकिस्तानी और टर्की के छात्रों ने अपनी जान बचाने के लिए भारत का झंडा तिरंगा थाम लिया ताकि रूस के सैनिक तिरंगा देखकर उन्हें बाहर जाने दें। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को सुरक्षित लाने के लिए भारत ऑपरेशन गंगा चला रहा है, जबकि वहां फंसे पाकिस्तान के छात्रों को इमरान सरकार से कोई मदद नहीं मिल रही। अम्बेसी की तरफ से कोई रिस्पांस आया? कोई रिस्पांस नहीं है। तो आप बताएं कि क्या कैसा दिन गुजरा आपका? सुबह से मैं देख रहा हूँ आप लोग इधर बैठे हुए। हम लोग यहाँ पर परेशान हैं, उनको कोई टेंशन ही नहीं है, हमसे बेहतर तो इंडियन है, हमें पाकिस्तानी होने का नुकसान हो रहा है यहाँ पर। हमारी पाकिस्तान अम्बेसी ने बिल्कुल किसी किस्म की कोई हेल्प नहीं की, सरासर पाकिस्तान में झूठ बताया जा रहा है, इधर बेखनों की जिंदगी गुजार रहे हैं। 7 घंटे से मैं इधर बैठा हुआ, ना कुछ खाया है, ना कुछ घर है, ना कुछ है। वहाँ पर अटैक हो रहा है, ऊपर से बम गिरा रहे हैं वो। प्लीज मेरी पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से रिक्वेस्ट है, हमारी हेल्प की जाए, हमें यहाँ से निकाला जाए। हमें अम्बेसी की तरफ से कोई इवैक्यूएट नहीं किया गया, अम्बेसी की तरफ से हमें उल्टा झूठ बोला गया। पहले हमें बोला गया कि आप कीव में आ जाए। हम सारे स्टूडेंट ने ऑलमोस्ट $3,000 की टिकट बुक की, ट्रेन की ऑलमोस्ट कोई 200 स्टूडेंट होंगे, लेकिन जिस दिन हमने टिकट बुक कर लिया और हम मूव करने लगे थे 2 घंटे पहले एम्बेसडर की कॉल्स आ रही हैं कि यहाँ पे ना है, कि सेफ सिटी नहीं है, अब टर्नोपल में आ जाएं। कोई हमारी एम्बेसी ने हमें मदद नहीं की। पहले हमें कहते थे कि आपको के नाम देते हैं, हम बसें देंगे, आपको जहाज देंगे, जब जंग शुरू हो जाएगी तब भी आइए, आप तैयार आएगा, आपको लेके इवैक्यूएट करेगा। अभी तक हमें ना किसी की तरफ से कोई मैसेज आया, ना किसी ने हमें कुछ कहा है। पाकिस्तान के इन छात्रों को लग रहा होगा कि काश वो भी भारत के नागरिक होते तो आज सुकून से वतन लौट रहे होते। हालांकि पाकिस्तान में ऐसे लोग भी काफी संख्या में हैं जिन्हें भारत से प्यार है, जो पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद मांगते हैं। अब तक हम कहते आए हैं कि तिरंगा है तो हम हैं, और आज देश हित में हम पाकिस्तान के उन छात्रों को भी कहना चाहते हैं कि तिरंगा है तो वो हैं, इसलिए तिरंगे से मोहब्बत कीजिए, नफरत नहीं। भारत माता की जय। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वंदे मातरम।
Presenting B News App, available on Google Play and App Store. Download it now.